आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके चलते आज शाम से चुनाव प्रचार नहीं होगा। ऐसे में सभी दल ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उसी के चलते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वादों का पिटारा खोलते हुए कई लुभावनी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए हम प्रति माह 3,000 रुपए की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को उनकी घोषणा बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके कारण धामी जनता के गुस्से का शिकार हो गए। धामी का ये ऐलान उन पर भारी पड़ गया। धामी के ऐलान के बाद जनता ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इतना ही नहीं, जनता ने केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने लपेटे में ले लिया। एक यूजर ने कहा कि रोजगार का इंतजाम कीजिए महाराज, 3,000 रुपए हम खुद दान कर दिया करेंगे। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, हर बार चुनाव आते ही ये लोग तमाम झूठे वादे करने लग जाते हैं। पहले ये बताओ कि 5 साल पहले जो बातें कही थी उनमें से कितने पर अमल हुआ, इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। वहीं एक और शख्स ने लिखा कि 2014 में बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। केंद्र में 7 साल से ज्यादा समय से इनकी सरकार है, उत्तराखंड में भी यही राज कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अब तक कितने रोजगार मिले। जवाब के नाम पर बातों को आजादी के बाद के दौर में ले जाते हैं। अरे ये तो बताओ कि तुमने क्या किया, नेहरू इंदिरा को क्यों कोसने लग जाते हो। अब जनता के गुस्से को देखकर ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सत्ता बचा पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जनता ने वोट की चोट देने का मन बना लिया है।